मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और हमारी दावेदारी भी है चुनाव की। देखो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये तो सरकार चुनाव कराना चाह रही है, करा भी रही है और जैसा भी कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से चुनाव कराएगी। चुनावी हलचल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उंजिला फातिमा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गिरीश तिवारी जी। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर जो है विधानसभा चुनाव में रामनगर से प्रभारी रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जसपुर से प्रभारी रहे हैं और 10 वर्षों से जो है चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी रहे। तो सर से बात करेंगे, निकाय चुनाव नजदीक है तो उसके लिए जो चर्चा का सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। निकाय चुनाव में जैसे कि इस समय निकाय चुनाव हमारे सिर पे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते हमारे यहाँ चुनाव जो है ऊपर से किया जाता है। इसमें कोई कैंडिडेट कोई इसमें कोई भी वो नहीं मांगता है, टिकट नहीं मांगता है। जिसको भी टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, सबसे बड़ी जो होता है कमल का फूल होता है। जिसको भी कमल का फूल मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उसका सपोर्ट करता है और उसके लिए काम करता है। सर आपसे सबसे पहला मैं सवाल यही करना चाहूंगी कि क्या आपने दावेदारी की है, क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और हमारी दावेदारी भी है चुनाव की, ऐसा नहीं है। और जैसा भी पार्टी आदेश करेगी हम वैसा काम करेंगे। तो सर क्या लगता है, अगर यदि पार्टी आपको टिकट देती है और आप काशीपुर के मेयर बन जाते हैं तो काशीपुर के डेवलपमेंट के लिए कौन से वो कार्य होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? जो भी कार्य पिछले छूटे हुए होंगे हमारी मेयर भारतीय जनता पार्टी की जो रही होंगी, जो भी कार्यक्रम उनके द्वारा छूटे हुए होंगे वो आगे वो कार्यक्रम बिल्कुल पूरे किए जाएंगे। फिर भी सर आप काशीपुर से हैं और इतने लंबे समय से यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं, तो कौन से स्पेसिफिकली वो 3 काम होंगे जिन पर आप पहले फोकस करेंगे? सबसे पहले मैं जोन कॉलोनियों में बिल्कुल अभी सड़कें बनी हुई नहीं है, बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं, बहुत सी सड़कें ऐसी हैं, मैं पहले सबसे पहले वो रोडें कम्प्लीट कराऊंगा। दूसरी सौंदर्यीकरण की बात यह है, जितनी भी पुरानी सड़कें हैं, पुरानी जो नालियां हैं, पुरानी जो नहरें पट पड़ी हैं, उनमें समस्या जितनी भी आ रही है वो समस्या दूर करूंगा। सौंदर्यीकरण के लिए बिजली का कार्यक्रम, ये जितनी भी समस्याएं होंगी ये सब मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। सर वही बात कर रही हूँ, जो निवर्तमान मेयर काशीपुर के रही है तो उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? उन्होंने अपने जो उनका टाइम जो था 5 साल का, जो इस बार का जो टाइम था, जितना काम वो करा सकती थी उन्होंने उतना काम उन्होंने कराया। क्योंकि पिछली बार से मुझे लगता है कि पहले इसमें 20 वार्ड थे, 20 वार्ड होने के बाद अब इसमें हो गए 40 वार्ड, 40 वार्ड होने के बाद काम तो दोगुना हो गया लेकिन काम उतना करा नहीं पाएंगे। और अभी बहुत सी जो वार्ड है जिसमें अभी रोडें बनी हुई नहीं है और आगे अगर हमें मौका मिलेगा हम जरूर उन रोडों को पूरा करेंगे। बात करें, विपक्ष लगातार जो है निशाना साध रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावों को आगे बढ़ा रही है, जो प्रदेश सरकार है वो चुनावों को आगे बढ़ा रही है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सरकार चुनाव कराना चाह रही है, करा भी रही है और जैसा भी कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से चुनाव कराई। सर वही बात करें, निकाय चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, यूकेडी हो, कुछ भी हो, तो उनको कहां तक आप देखते हैं कि कितनी टक्कर वो दे पाएंगे? देखो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लेके और स्टेट से लेकर के नगर पालिकाओं से लेके बहुत सारे काम किए हुए हैं और लगातार काम कर रही है। अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ आदमी है अंत्योदय के कार्यक्रम में, सारे कार्यक्रम में लगी हुई है, कोई भी काम किसी का छोड़ने के लिए नहीं है और जो भी काम पूरे कर सकती है वो कर सकती है इस समय और कर भी रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने इसमें कोई भी पार्टी टक्कर में नहीं है और हम बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गिरीश तिवारी जी, जिनसे हमने चर्चा का दौर बनाए रखा। आने की शख्सियत के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपने सहयोगी मालिक गुप्ता के साथ मंजुला फातिमा।